हेलो दोस्तों, डिजिटल फैक्ट्स फैक्ट्री के ट्रिपल सी डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो यह सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्ट वन। अगर आपने पहले नहीं देखा तो आप पार्ट वन जाकर ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन है? फर्स्ट दिया गया है EDVAC और सेकंड दिया गया है ENIAC, यानी कि ENAC जिसे कहते हैं, और थर्ड दिया है सुपर कंप्यूटर, और फोर्थ दिया है दोस्तों UNIVAC, यानी कि UNIVAC। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ENIAC। अब दोस्तों, एक इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ENIC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, ENIC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, TDS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TDS? तो इसमें फर्स्ट दिया गया है टाइम डिपॉजिट स्कीम, एंड सेकंड ऑप्शन दिया गया है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों दिया गया है टोटल डिपॉजिट स्कीम, एंड फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है, डोमेन के नामकरण के लिए सरकारी संस्थाओं में किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, डोमेन का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर जब होता है डोमेन का, तो उसमें सरकारी संस्थाओं को क्या दिया जाता है? .com दिया जाता है, या .net दिया जाता है, या .gov दिया जाता है, एंड फोर्थ दिया गया है दोस्तों .org दिया जाता है। तो दोस्तों, यह कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि .gov। .gov इसलिए दिया जाता है कि देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट .gov, तो इसलिए .gov इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है कि TCP का पूरा नाम क्या है? TCP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TCP? तो दोस्तों, फर्स्ट इसका है टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड सेकंड दिया है टोटल कॉल प्रोटोकॉल, एंड थर्ड दिया गया है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एंड फोर्थ दिया गया है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, अब बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों, क्वेश्चन चुनिंदा है, इसको नोट करते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी इसको सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दोस्तों दिया गया है, 100 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? दोस्तों, 100 रुपीस की नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर, एंड सेकंड ऑप्शन दिया है फाइनेंस मिनिस्टर, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है दोस्तों RBI गवर्नर, एंड फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि RBI गवर्नर की हस्ताक्षर होती है 100 रुपीस की नोट पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन छठवां है। तो छठवां क्या दिया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा CCC परीक्षा में पूछा जाता है, और इस बार भी देखिए आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट है इसमें
एक दिसंबर और सेकंड दिया है 2 दिसंबर और थर्ड दिया है 1 जून और फोर्थ दिया है 10 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अब बताइए व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। 255 हो सकते हैं फर्स्ट दिया है, या फिर सेकंड दिया है 256 हो सकते हैं, या फिर थर्ड दिया है 250 हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि फोर्थ दिया है नॉन लिमिट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सेकंड है, यानी कि 256। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 8वां है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कट करने के लिए किस बटन का यूज करते हैं। दोस्तों एकदम यह मानिए हलवा क्वेश्चन है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कट करने के लिए किस बटन का यूज करते हैं। तो इसका दोस्तों दिया गया है कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, इसका तो नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, आप लोग जानते ही हैं। और सेकंड दिया है कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस सी एक कॉमन है कि कॉपी के लिए यूज होता है। और कंट्रोल वाई इधर फोर्थ में दिया गया है, तो कंट्रोल वाई का है रीडो होता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स दोस्तों कट के लिए यूज किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। दोस्तों एक बात बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी और अच्छी एवं प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की वेब सीरीज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे जुड़ जाइए, और अच्छे से अच्छे तरीके से CCC की ऑनलाइन क्लासेज प्राप्त कीजिए। अब चलिए देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है कौन सा, मतलब कि वर्ड प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट है, या एडोब फोटोशॉप का पार्ट है, या फिर फोर्थ दिया गया है वर्ड पैड का पार्ट है। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर में तो यह एक्सेल नहीं आएगा और ना ही एडोब फोटोशॉप आएगा, और फर्स्ट दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड पैड, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वर्ड पैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी एवं लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वां, लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। यह लिब्रो ऑफिस से ले लिया गया है, और लिब्रो ऑफिस से कुछ चुनिंदा प्रश्न की वेब सीरीज जब ओपन होगी तो उसमें आप देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस कैल्क से है, तो बताइए इसमें लिब्रो ऑफिस में कितने रो एंड कॉलम होते हैं। पहला दिया गया है दोस्तों 1,048,576 रोज और 1,024 कॉलम्स होते हैं, या फिर सेकंड दिया है 1,048,576 रोज एंड 16,576 कॉलम्स, और थर्ड दिया है 16,384 रोज एंड 1,048,576 कॉलम्स, एंड फोर्थ दोस्तों दिया गया है 1,024 रोज एंड 1,048,576 कॉलम्स। तो दोस्तों यह लिब्रो ऑफिस कैल्क का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 1,048,576 रोज पाई जाती हैं और 1,024 कॉलम्स पाए जाते हैं। अक्सर यही आपको
EMS ऑफिस में भी यही देखने को मिलता है कि 1,48,576 रोज और 1,024 कॉलम्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम एक थॉट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारा थॉट दिया गया है, दुनिया में हर चीज़ की सीमा है लेकिन मेहनत करने की और हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों दुनिया में हर चीज़ की एंड है लेकिन मेहनत करने का कोई एंड नहीं, कोई सीमा नहीं। तो आप हमसे जुड़िए और मेहनत कीजिए। CCC एग्ज़ाम एंड एनी टाइप्स के कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी होगी और आगे होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।